जो सच है उसे स्वीकार करो और अपने कर्मों पर विचार करो कि आपके अपने आप को छोड़ के क्यों चले गए। कांग्रेस टूटी है, भाजपा की तरफ मत देखो, अपने घर को संभालो यारो, वरना अगली बरसात में ये दीवार भी ढह जाएगी। उनने शायद दिग्विजय सिंह जी का बयान नहीं सुना जिनने उन्हें कहा कि हमारे पास बहुमत नहीं है। अब अपनी बात हाउस में नहीं कह पा रहे होंगे तो प्रेस के माध्यम से कह रहे हैं, ये भी एक तरीका तो है अपनी बात पहुंचाने का। मेरे को इस बारे में कुछ नहीं कहना है। पूछो सर, एलिफेंट ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, जनसंपर्क मंत्री कह रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग नहीं एलिफेंट ट्रेडिंग होती है। वो थे वो हॉर्स थे, एलिफेंट थे, भले मानुष थे, थे तो आप ही के वो। सर अभी भी जानवरों से ही तुलना कर रहे हैं, घोड़ा बना दिया, हाथी बना दिया, क्या क्या बना रहे हैं सर। अब ये उनके स्वभाव है और वो जाने उनका काम जाने, उनसे क्या कहूँ। उनके नेता भी ऐसी हॉर्स ट्रेडिंग कहते थे। सर इतना कॉन्फिडेंस लाते गाते कागजों में पूरी तरीके से धराशायी हो गए, फिर भी बोले चले जा रहे हैं बम्बई में। दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, थोड़ी देर और बहला कोई बुराई नहीं। तो करें क्या, क्यों रहे, आज पता चल जाएगा। और दिग्विजय सिंह जी को भी बताए। लेकिन दिग्विजय सिंह जी ने दिल्ली में एक बड़ा बयान दे दिया है, कह रहा है कि हम हार सकते हैं, संख्या बल नहीं है। उन्होंने बड़ा बयान क्या, सच बयान दे दिया। पहली बार तो सच बोला वो आदमी, वो व्यक्ति पहली बार सच बोला। सर उनके बयान को लेकर शर्मा जी कहते हैं दिल्ली में कार भोपाल में नहीं है। शर्मा जी कहते हैं कि दिग्विजय सिंह ने जो कहा वो दिल्ली में कहा, भोपाल में नहीं कहा। अब दिग्विजय सिंह बंगलोर रहे या दिल्ली, दिग्विजय सिंह अब क्या मध्य प्रदेश की राजनीति में उनका आगे किस तरह से, क्योंकि लगातार वो दिल्ली से बेंगलुरु से बयान दे रहे हैं। वो बंगलोर होके आए हैं, बाकी सबसे मिल चुके हैं वो, इसलिए अंदर तक पहुंच गए मुझे लगता है। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और इंडिया फर्स्ट न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी करें।